हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों को प्रिल्यूड में पढ़ा रही थी और उसकी समरी 7 बुक्स जो है मैंने करा दी थी। आज बुक 8 से लेकर 14 तक मुझे कराना है और वो समरी जो है वो उसके बाद उसके क्वेश्चंस जो है मैं लूँगी, जैसे पैराडाइज लॉस्ट का जब मैंने करवाया था। और ये हमारा जो है अभी यूपी टीजीटी का लाइव बैच जो है वो स्टार्ट करना था 15 अगस्त से, मगर अभी थोड़ा सा उसे डिले कर दिया है, तो उसको अभी हम कुछ दिन बाद जो है वो स्टार्ट करेंगे। हाँ, हमारे पास वीडियो बैचेस हैं टीजीटी पीजीटी के, टीजीटी का, यूपी टीजीटी का, DSSSB का। तो अगर आपको लगता है कि हाँ हमें जो है एक अच्छी तैयारी करनी है, अभी तक हमने नहीं करी है, तो आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर और उस पे ऐप पर ये सारी चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना मतलब ये नहीं है कि आपकी प्राइवेसी में हनन होगा, हम आपको फ़ोन करेंगे, आपसे बार बार पूछेंगे आपने ये कोर्स देखा मगर आपने ख़रीदा नहीं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू विश टू बाय और यू डोंट वॉन्ट टू बाय। आपको इसमें कोई आपको परेशान करने वाला नहीं है। आपको लगता है कि हमारे लिए अच्छा है खरीदिए, नहीं अच्छा लगता कोई बात नहीं। इसके अलावा हमारा ये एक एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच है। ये एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच जो है ये क्या है, किसके लिए हेल्पफुल है, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। खरीदने से मतलब लोग देखते हैं और उसमें जानना चाहते हैं। पहली बात, अगर आपने तैयारी बहुत अच्छी कर रखी हो ग्रामर लिटरेचर दोनों की, अपने आप को आप ये मानते हैं कि हाँ आप एग्जाम कभी भी हो जाए हम इसके लिए तैयार हैं, तो ये बैच आपके लिए। और अगर अभी आपने तैयारी करनी शुरू ही नहीं करी तो ये बैच आपके लिए नहीं है। आपने कहीं भी तैयारी कर रखी है, हमारा हम क्या देते हैं इसमें, हमारा हम लोग इसमें देते हैं 23 अभी फिलहाल जो है 23 फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स हैं जो 125 क्वेश्चंस के होते हैं, और जो है उसके अलावा 17 जो है इसमें मॉक टेस्ट हैं, और अभी आगे और बन रहे हैं जो हर वीक में बनते रहते हैं, नए जो पेपर्स हैं वो बनते रहते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें लिटरेचर, ग्रामर, वोकैबलरी, सारे जो जिस तरीके का जो टेस्ट पेपर आता है उसी तरीके के क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं ग्रामर लिटरेचर के मिक्स करके। अब उसमें क्या है कि क्वेश्चन को बताया जाता है कि क्वेश्चन जब सॉल्व करवाती हूं मैं, तो मैं इसमें उसके चार चीज और बताती हूं ऐसा है तो ऐसा क्यों है। जैसे अगर मैंने इसमें यह बताया कि भाई एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैं मिल्टन के किसी सोनेट के बारे में बता रही हूं तो मैं उसके साथ ये भी बताऊंगी कि ये मिल्टन का सोनेट नंबर कौन सा है। अगर इसमें सोनेट में जो है, इस सोनेट में मिल्टन ने कौन कौन से बर्ड्स के बारे में बात करी है, ये सारी चीज मैं उसमें बताती हूँ। अगर मैं उसमें यह बता रही हूं कि जैसे मिल्टन ने ऑन शेक्सपियर लिखी थी 1630 में, तो यह कौन सी फॉर्म में, अगर उसमें बताया कि ऑन शेक्सपियर कौन से ईयर में लिखी गई, तो इसका आंसर तो सबको पता है 1630 में। लेकिन मैं इसमें यह भी बताती हूं कि ये कौन सी फॉर्म में लिखी गई है इसके, और जो है मिल्टन का इसमें जो इसला कौन सी फॉर्म में, इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें यह कौन सी फॉर्म में लिखी गई है। जो अलीग्रो एंड अल पेंसरोसो हैं, इनकी जो फर्स्ट जो 10 लाइंस हैं उनको जो है वो मिल्टन ने किस रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक है। और अगर कोई लाइन है तो उसको पूरा एक्सप्लेन करना। तो बेसिकली ये जो प्रैक्टिस बैच है इसमें क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि ये क्वेश्चन ऐसा है, तो इस क्वेश्चन के आगे की और पीछे की बात, चार क्वेश्चन और उसके साथ एक्स्ट्रा मिलते हैं। ग्रामर है तो उसमें भी समझाया जाता है, वोकैबुलरी है तो चारों ऑप्शन समझाए जाते हैं, इस तरीके का ये। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है मतलब, तो आप इस बैच को लीजिए और इस तब आपकी प्रैक्टिस और बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है जी। इसमें रेगुलर पढ़ाना नहीं है कि इसमें ग्रामर भी पढ़ाई जा रही है, इसमें लिटरेचर भी, इसमें टेस्ट पेपर सॉल्व करवाए जाते हैं, टेस्ट पेपर जो है वो सॉल्व करवाए जाते हैं। तो दिस इज हेल्पफुल फॉर दोस हु हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वेल फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है जी। इसको भी अगर आपको देखना है तो आप इंग्लिश सूत्रा का ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और उसके बाद इस क्या है कैसा है इसके बारे में सारी चीज इसमें बता रखी है, ठीक है। चलिए अब हम जो है प्रिल्यूड के बारे में जो है जानते हैं। बुक 8 से हमें प्रिल्यूड जो है वो स्टार्ट करना है। तो देखिए, प्रिल्यूड के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ की स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है, लिरिकल बिल्डिंग्स रोमन कहा जाता है। पहली से सातवीं बुक तक हम आ गए थे, अब हमें 8th बुक पर जो है वो चलना है। सभी बुक्स के नाम है, 8th बुक का जो नाम है वो है रेट्रोस्पेक्ट, पीछे की तरफ, लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मैनकाइंड, कि जब आप नेचर से प्यार करते हैं तो आप मैनकाइंड से प्यार अपने आप जो है वो करते हैं। देखिए,
ऑल्टरनेट डिस्क्रिप्शन ऑफ लंडन लाइफ एंड रूरल एग्जिस्टेंस इन द कंट्री वर्ड्सवर्थ सो लव्ड। इसमें उन्होंने ये बताया है कि लंडन लाइफ के बारे में और कंट्री लाइफ के बारे में जो है वो बताया, जो वर्ड्सवर्थ को बहुत ज्यादा पसंद थी। ग्रेट कंट्रास्ट आर शोन, एस्पेशली द लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ द शेफर्ड्स ट्रेड फ्रॉम क्लासिकल टाइम टू वर्ड्सवर्थ ओन प्रेजेंट। इसमें उन्होंने ये भी बताया है लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ द शेफर्ड्स ट्रेड, शेफर्ड ट्रेड के बारे में, क्लासिकल समय से लेके वर्ड्सवर्थ के समय तक। पोएट रिलेट्स अ लव ऑफ नेचर टू अ लव फॉर मैनकाइंड। ने कहा है कि व्हेन यू लव नेचर यू ऑटोमेटिकली लव मैनकाइंड, नॉट इन एन आइडियलाइज स्टेट बट द एवरीडे लाइफ ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। आप उसको आइडियल स्टेट में पसंद नहीं करते, जैसा है इम्परफेक्शंस के साथ आप उसको पसंद करते हैं। इसके बाद बुक नाइन है रेजिडेंस इन फ्रांस। इसमें पोएट जो है ही गोज बैक टू यूरोप। फ्रांस जो है इस समय रेवोल्यूशन की अग्नि से धधक रहा, इन द मिडस्ट ऑफ द टर्मोइल ऑफ इट्स रेवोल्यूशन, बट वर्ड्सवर्थ डजंट पे एज मच अटेंशन टू पॉलिटिकल इवेंट्स एज टू ह्यूमन वंस। लेकिन वर्ड्सवर्थ को ह्यूमन इवेंट्स से ज्यादा लेना देना एज कंपेयर टू पॉलिटिकल इवेंट्स। हिज फ्रेंडशिप विद द ऑफिसर माइकल ब्यूपे is very important because of all he learns from the young man before he dies in the fighting and violence. इसमें जो है उन्होंने अपनी एक फ्रेंडशिप दिखाई है मिस्टर माइकल के साथ, और बिकॉज ऑफ हिम ही लर्न्स फ्रॉम द बिकॉज ऑफ ऑल ही लर्न्स फ्रॉम द यंग मैन। उनसे वो बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है वायलेंस में। बुक टेन जो है कुछ एडिशंस में 10 और 11 में बांटी हुई है, और रेजिडेंस इन फ्रांस कंटिन्यू हुआ है विद डिटेल्स अबाउट द इंटरनल। अब इसमें दिखाया गया, इसमें वो जो है फ्रांस का रेवोल्यूशन, उसका उसके की रेवोल्यूशन का क्या असर हो रहा था, ये सब दिखाया गया है, और कंट्री के जो कौन कौन लोग जो है उसमें इन्वॉल्व हैं वर्ड्सवर्थ। लेकिन वर्ड्सवर्थ ने इसमें यह भी बताया कि वर्ड्सवर्थ जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी तो वर्ड्सवर्थ वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि इससे एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो सोसाइटी में आएगा, लेकिन धीरे धीरे वो डिसिल्यूजनड हो जाते हैं ये सोच के कि बाय द फेलियर ऑफ रिफॉर्म, कि कोई भी रेवोल्यूशन आता है इट फेल्स टू ब्रिंग दैट रिफॉर्म विच इज रिक्वायर्ड। वो रिफॉर्म नहीं ला पाता विदाउट वायलेंस, क्योंकि बिना वायलेंस के रिफॉर्म ही नहीं आता। एंड ही रिटर्न्स टू इंग्लैंड, और फिर वो वहां से इंग्लैंड चले जाते हैं टू फाइंड हिज कंट्री एंड फ्रेंड्स आर नाउ ऑफिशियली एनिमीज। अब ये जो है कि भाई उनको वापस जाते हैं अपने देश, क्योंकि भाई फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में वॉर जो है वो युद्ध, वो आपस में दुश्मन है। He devote his time to political and philosophical readings to build his optimism in the future. अब यहाँ आकर वो जो है अपना पढ़ना शुरू करते हैं, political and philosophical चीज़ें books पढ़ना शुरू करते हैं, जिससे वो कि आगे भविष्य अच्छा होगा इसमें अपना faith बनाए रखें। He doesn't give up his beliefs in liberty and a better life. वो ये नहीं है कि अगर वो French Revolution से disillusioned हुए हैं तो वो मानव जाति, मानव humankind में बिलीव करना छोड़ दें। वो सोचते हैं कि उम्मीद अभी है, बेटर लाइफ है, एंड फेमसली रिमेंबर्स टू बी यंग वॉज है ब्लिस, वॉज इट दैट डॉन्ट टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज हेवन। कि भाई वो रेवोल्यूशन को देखना अपने आप में एक परमानंद है, मगर जो उस समय जवान थे उनके लिए तो वो जीते जी स्वर्ग पाने के लायक है। ड्यूरिंग द डेज ऑफ द रेवोल्यूशन, तो इसके बाद बुक 11 है इमेजिनेशन एंड टेस्ट। How impaired and restored gives personal insights into the poet's mental and emotional struggle. तो अब हम अगर जो है book 10 and 11 के बाद को split कर दिया जाता है, और इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो book 11 में imagination की imagination और taste कैसे impair हुए, मतलब वो जो उनका हनन हुआ उसके बाद कैसे उनको रिस्टोर किया गया। इस ये बुक एक पर्सनल इंसाइट देती है पोएट के मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रगल में, और उसके बाद उनका इंग्लैंड लौटना एंड द नीड टू रिबिल्ड, और उसके बाद उनका जीवन दोबारा से पोएट के रूप में उनको खड़ा होना। ही मूव्स बिटवीन रीजन एंड पैशन, वो रीजन और पैशन के बीच में जो है वो जो ऑसिलेट कर रहे हैं, एंड ट्राइज टू फाइंड द बैलेंस, और वो बैलेंस
इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. फाइनली ही फाइंड्स मीनिंग इन स्पॉट्स ऑफ टाइम. मैंने बताया था ये आपको कि ये बुक 11 में है. स्पॉट्स ऑफ टाइम एपिफेनी मोमेंट व्हेन यू रियलाइज दैट दीज आर द मोमेंट्स व्हिच व्हेन यू स्पेंड टाइम इन नेचर एंड थिंग्स द थिंग्स इन नेचर गिव यू जॉय. You feel that joy is momentary, but you don't know that these things stick in your mind. And whenever you are in pensive mood or you are depressed, these moments just make you, these the cherishing of these moments make you feel better. तो ये जो चीज है जिसे कहा जाता है स्पॉट्स ऑफ टाइम. तो स्पॉट्स ऑफ टाइम या मोमेंट्स ऑफ एपिफेनी, तो ये जो है कि फाइनली ही फाइंड्स मीनिंग इन स्पॉट्स ऑफ टाइम मेमोरीज ऑफ सिग्निफिकेंट माइनर इवेंट्स ही विटनेस लॉन्ग पास्ट. कि वो मोमेंट्स दैट दोज मोमेंट्स विच वी थिंक डू नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑन आर लाइफ बट वी डोंट नो दैट यही वो मोमेंट्स होते हैं कि व्हेन वी फील डिजेक्टेड वी फील डिप्रेस्ड दीज मोमेंट्स ऑफ नेचर रिवाइटलाइजर्स. ये हमें जो है वो रिवाइटलाइज करते हैं. दीज नाउ गिव डायरेक्शन एंड इंस्पिरेशन फॉर हिज आर्ट. अब वही स्पॉट्स ऑफ टाइम उनको दोबारा से अपना जो उनका पैशन है पोएम उस पे बढ़ने को मजबूर करते हैं. बुक 12 इमेजिनेशन एंड टेस्ट हाउ इम्पेयर्ड एंड ये इसी का कंक्लूड करा गया है. इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ बुक 11. बुक 11 का कंटिन्यू करा गया है. इट इंक्लूड्स वर्ड्सवर्थ सॉलिटरी रिफ्लेक्शंस ऑन हिस्टोरिक सेलिसबरी प्लेन इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड. इसमें उन्होंने दिखाया है सेलिसबरी प्लेन, इंग्लैंड के सेलिसबरी प्लेन के बारे में बताया है जिसे वो सैरम्स प्लेन कहते हैं. He contemplates the ancients who built Stonehenge, the prehistoric monument made of standing stones. इसमें वो देखते हैं कि कैसे ancients ने जो उनके जो ancient लोग थे उन्होंने Stonehenge बनाया. एक prehistoric monument है जो standing stones से बना हुआ है जो plains में है और human nature की variety को बताता हुआ. बुक 13 कंक्लूजन. वैसे बुक 13 जो है कंक्लूजन बुक 13 नहीं है. ये बुक 13 इमेजिनेशन एंड टेस्ट एक्चुअली ये इस तरीके से है. इसको उसमें कर दिया गया है. ये अभी बुक 13 ही चल रही है. और इमेजिनेशन एंड टेस्ट हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड, इमेजिनेशन एंड टेस्ट हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड वही चल रहा है ये वाला. ये पूरा का पूरा आप जो मैं ले रही हूँ कंक्लूजन वाला है बुक 13-14. एक इस तरीके से हम चलते हैं. इंट्रोडक्शन पहली बुक थी चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम, सेकंड स्कूल टाइम कंटिन्यूड, थर्ड रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज, फोर्थ समर वेकेशन, फिफ्थ बुक्स, सिक्स कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स, सेवेंथ रेजिडेंस इन लंडन, एट्थ है रेट्रोस्पेक्ट लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मैन, नाइन्थ रेजिडेंस इन फ्रांस, टेंथ रेजिडेंस इन फ्रांस कंटिन्यूड, इलेवेंथ रेजिडेंस इन फ्रांस कंटिन्यूड. तो एक्चुअली मेरी जो इलेवेंथ वाली बुक थी वो इमेजिनेशन एंड टेस्ट हो गई थी तो वो उसको स्प्लिट कर दिया गया था. इसलिए जो 13 वाली बुक है वो मेरा कंक्लूजन वाला पार्ट जो है वो चल रहा था. ये 40 बुक 14 है. तो बुक 14 एंड्स द एपिक पोएम एज वर्ड्सवर्थ रिपीट्स हिज ग्रेट लव फॉर नेचर एज सुप्रीम टीचर एंड अथॉरिटी. द इमेजिनेशन इज एबल टू रिमेंबर इमोशंस एंड रिफ्लेक्ट देम टू फाइंड मीनिंग. द पोएट गेन्स सुप्रीम इनसाइट एज ही क्लाइम्स माउंट स्नोडाउन इन वेल्स. इसमें दिखाया है माउंट स्नोडाउन पे क्लाइम करते हैं. एन एक्सपीरियंस फ्रॉम 1791 दैट ही प्लेसेस हियर. इस एक्सपीरियंस जो 1791 में उन्होंने लिया था वो यहां पर उस एक्सपीरियंस को डालते हैं फॉर हिज मेटाफोरिकल पावर एंड सीज लाइट एंड ट्रूथ. कि इस एक्सपीरियंस से उन्हें एक सच्चाई और एक लाइट पता चलती है. ही प्रेजेस अगेन ऑल ही हैज एक्सप्लोर्ड एंड एंडेड विद कॉलरेज हिज सिस्टर एंड द ग्रेट माइंड्स ऑफ द पास्ट. हालांकि मैंने बुक 14 को मैंने और एक्सप्लेन जो है वो करा है. बुक सम जो प्रिल्यूड की है बुक 14 की, प्रिल्यूड की जो फाइनल बुक है begins with the speaker recalling a nighttime seaside hike in Wales. ये final book जो start होती है इसमें speaker यानी कि जो Wordsworth है वो रात के समय को याद कर रहे हैं seaside hike, Wales में एक seaside hike, एक friend के साथ, एक shepherd, एक who serve, एक with a friend and a shepherd, वो friend और एक friend है, एक shepherd है जो as a guide जो है काम कर रहा है.
The quiet summer night was suddenly illuminated by a bright moon. एकदम शांत जो है समर नाइट है और अचानक से बहुत तेज चांद की रोशनी फैलती है एंड obscured by a dramatic sea of mist. This sea of mist contained an opening. ये sea of mist एक opening जो है वो दिखाता है through which the speaker was able to discern the violent rushing of the. इसके through कि वो बताना चाहता है कि एक एक्चुअल सी की वायलेंट जो है वो रशिंग जो है उसका आना और जाना बताना चाहता है. ही फेल्ट दैट द वेरी वॉइस ऑफ नेचर वॉज ऑडिबल थ्रू दैट ओपनिंग. कि इस ओपनिंग के थ्रू हम नेचर की आवाज को सुन सकते हैं. रिफ्लेक्टिंग अपॉन वॉट ही सॉ द स्पीकर कंक्लूडेड दैट द बेस्ट माइंड्स आर नॉट मेयरली सेंसिटिव टू नेचर. वो कहते हैं कि जो बेस्ट माइंड्स हैं यानी कि जो पोएट हैं जो सेंसिटिव लोग हैं वो केवल नेचर के प्रति सेंसिटिव नहीं है. दे आर पैरेलल टू इवन एन एक्सटेंशन ऑफ नेचर्स ट्रांसेंडेंट पावर. वो नेचर की उस ट्रांसेंडेंट पावर को भी जो है वो महसूस करते हैं. Even a dull mind can be affected by this power. एक व्यक्ति जो नेचर के प्रति ज्यादा भावुक संवेदनशील नहीं है वो भी नेचर की इस पावर से प्रभावित होता है. इवन इफ इट lacks दैट पर्टिकुलर कनेक्शन टू नेचर. अगर हम नेचर से उतना जुड़े हुए भी नहीं है ग्रेट माइंड तब भी वो नेचर उन पर इंपैक्ट डालती है. ग्रेट माइंड इन फैक्ट आर लाइक नेचर प्रिसाइजली बिकॉज दे हैव दिस पावर टू इफेक्ट अदर्स थ्रू लिटरेचर. वो कहते हैं कि जो ग्रेट माइंड्स हैं यानी कि जो पोएट्स हैं वो आर द लाइक नेचर. वो बिल्कुल प्रकृति की तरह है क्योंकि जैसे प्रकृति ग्रेट माइंड्स पे इफेक्ट डालती है ऐसे ही जो ग्रेट माइंड्स हैं वो अपने लिटरेचर के द्वारा लोगों पर प्रभाव डालते हैं. जीनियस इज ऑल्सो डिस्टिंक्ट इन दैट इट कैन बी कॉल्ड टू एक्शन बाय रिलेटिवली माइनर मॉडेस्ट इन्फ्लुएंस. जीनियस इज ऑल्सो जीनियस वो है जो छोटे छोटे इन्फ्लुएंस से जो है एक एक्शन को प्रमोट करते हैं. इट डजंट नीड शोइंगनेस टू फील इंस्पायर्ड. पीपल विद ग्रेट माइंड्स नो देमसेल्व्स एंड आर नेवर बोर्ड और लॉस्ट बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली अफेक्टेड बाय ब्यूटी. और कहते हैं कि जो ग्रेट माइंड्स हैं वो कभी नेचर से बोर नहीं होते क्योंकि वो जो है उन्हें पता है कि नेचर जो है वो नेचर की ब्यूटी से हमेशा प्रभावित होते हैं और दे कॉन्स्टेंटली क्रिएट समथिंग. However, the speaker says nobody is actually lucky enough to live up to his. हालांकि वो ये कहते हैं कि जिंदगी भर कोई आदमी एक ही आइडियल को मान के नहीं चल सकता. In the 1850s revision, the speaker explicitly notes that he himself didn't easily achieve this level of harmony with himself. वो खुद ही ये कहते हैं 1850 में जब उन्होंने रिविजन किया तो ये इस बुक का तो वो खुद ही कहते हैं कि ये लेवल जो हार्मनी का है वो उन्होंने बहुत आसानी से जो है वो प्राप्त नहीं कर लिया है. वॉट वी हैव जस्ट रेड इज अ रिकाउंटिंग ऑफ हिज डिफिकल्टीज. कि अभी जो पढ़ा है वो डिफिकल्टीज से जो है वो निकल कर आया है. हिज प्रोसेस हैज बीन डिफिकल्ट बट ही नोट्स विद प्राइड दैट ही हैज नेवर फॉलन प्रे टू पेटीनेस. वो कहते हैं माना कि ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट था नेचर के साथ नेचर के जैसा फील करना मगर That he है लेकिन वो कभी तुच्छता के शिकार नहीं हुए और कभी उनके अंदर ये इच्छा नहीं हुई कि उनको पावर मिले. इवन वेन ही वॉज मिसगाइडेड ही ऑलवेज फॉट अगेंस्ट. हालांकि अगर कभी वो डेविएट भी हुए तो वो हमेशा क्रूड प्रेटी इंस्टिंक्ट्स के खिलाफ लड़े. लव हैज बीन द प्राइमरी फोर्स कीपिंग हिम इन चेक थ्रू आउट. कि प्रेम एक ऐसी चीज थी चाहे वो प्रकृति से हो चाहे वो अपनी वाइफ से हो कि जो एक गाइडिंग फोर्स उनकी जिंदगी में रहा एंड प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम फॉलिंग प्रे टू. और वो कभी जिंदगी में किसी सेल्फिश मोटिव के शिकार नहीं हुए. वंस इंटरपर्सनल डिवोशन एंड ही इज एंथुसियास्टिक अबाउट दिस काइंड बट द अदर हायर लव रिसीव्स मोर फोकस. द हायर लव इज नॉट ओनली बिटवीन पीपल बट इट्स अ डिवाइन. कहते हैं कि उनको एक हायर लव जो है प्राप्त हुआ. हायर लव लोगों के बीच में नहीं होता नेचर से भी हायर लव प्राप्त होता है. It is connected to imagination, a virtue that the speaker reminds us we have discussed at length already. अब इसमें उन्होंने जो है हम ये जो higher love है ये imagination से संबंधित होता है. अब वो इसके बाद वर्ड्सवर्थ जो है अपनी इस बुक में कुछ लोगों को एड्रेस करते हैं. सबसे पहले वो एड्रेस करते हैं अपनी सिस्टर डोरोथी को एक्सप्लेनिंग दैट शी हेल्प्ड हिम रीक्लेम हिज इमेजिनेटिव लाइफ व्हेन इट वाज नियरली लॉस्ट. वो कहते हैं कि उनकी बहन ने
उनको जो है उनकी इमेजिनेटिव लाइफ को रिक्लेम करने में मदद करी जब वो पूरा वो इमेजिनेशन को खो चुके थे. और उसने जो है शी हैज जनरली ऑफर्ड अ सॉफ्टर कंट्रास्ट टू सम ऑफ, और उनकी बहन ने एक कंट्रास्ट जो है प्रस्तुत किया उनकी थिंकिंग के अगेंस्ट. उसके बाद वो इसी बुक में कॉलरिज को जो है वो एड्रेस करते हैं, कहते हैं कि ही इज अ पर्सन रिमार्केबल कैपेसिटी फॉर लव एंड केयर, कि उनके अंदर प्रेम और केयर से वो भरे हुए हैं. Wordsworth reflect he has achieved what he wanted to with the prelude. कहते हैं कि जो मैं चाहता था मैंने prelude से प्राप्त कर लिया है. Successfully telling his own कि मैंने इसमें अपनी कहानी बताई है और मैं क्या और करना चाहता हूँ वो बताया है. A great deal remains to be said in future work. वो कहते हैं अभी बहुत कुछ बताने से रह गया है. He reflect that his time in school witnessing the friction, कि वो अपना reflect करते हैं उनका school का समय और लोगों से मतलब झड़प. और ये जो है इसमें उन्होंने जो है ये भी बताया, अ फ्रेंड नेम्ड कैलवर्ट हु वाज नॉट अ पोएट हिमसेल्फ बट हु अंडरस्टूड दैट पोएट्स मस्ट वर्क विदाउट फाइनेंशियल, जो रेजले कैलवर्ट जिन्होंने उनको जो है फाइनेंशियल हेल्प करी थी, इसमें उन्होंने अपने फ्रेंड कैलवर्ट का भी वर्णन किया है कि भले ही वो एक पोएट नहीं था मगर उनको ये लगता था कि पोएट्स अपना काम करें फ्रीली विदाउट एनी फाइनेंशियल टेंशन. अब जब वर्क खत्म होने लगता है तो वो कॉलरिज को दोबारा से एड्रेस करते हैं, आस्किंग हिम टू कास्ट हिज माइंड बैक टू द स्टार्ट ऑफ द वर्क. व्हेन ही बिगेन राइटिंग ही सेज ही फेल्ट दैट ही वाज राइजिंग अबव हिज लाइफ लाइक अ लार्क एंड सिंगिंग हिज स्टोरी. अब वो कहते हैं कि जब मैं ये वर्क लिख रहा था तो मैं एक स्काईलार्क की तरह फील कर रहा था. द स्पीकर कैन ओनली होप दैट He will produce great enough work to justify this lengthy. वो कहते हैं कि इतनी लंबी ऑटोबायोग्राफी लिखी लेकिन मैंने अपने आप को जस्टिफाई किया है. He reminds Coleridge of a day they spent together when Coleridge spoke about some of his own work. वो कॉलरिज को याद दिलाते हैं कि वो उनके एक दिन हम दोनों जो है एक दोनों ने एक दिन एक एक दिन साथ गुजारा था. Wordsworth remembers his own interest in his friend poetry, कि कैसे कॉलरिज की पोइट्री में Wordsworth जो है वो इंटरेस्ट दिखाया करते थे और कैसे कॉलरिज उनकी पोएम्स में इंटरेस्टेड थे. एंड विल नॉट फाइंड इट सेल्फ इंडल्जेंट और एरोगेंट, कि उनको जो है ये नहीं मानना चाहिए कि मैं बस अपनी अपनी पोएम के बारे में ही बता रहा हूँ, मैं दूसरे की पोएम को भी एडमायर करता हूँ. द स्पीकर एक्सप्लेन्स दैट ही इज राइटिंग इन अ स्टेट ऑफ सैडनेस मिक्स्ड विद होप. वो कहते हैं मैं ये किताब लिख रहा हूँ एक अंदर से उदासी है मगर एक उम्मीद भी है कि मैं जो है इंप्रूवमेंट इन कॉलरिज हेल्थ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कॉलरिज की जो हेल्थ है उसमें सुधार आए. He tells his friend that the two of them can take pride in their work. कि हम दोनों एक दूसरे के works में बहुत गर्व महसूस करते हैं. They have both tried to transmit a love of nature. हम दोनों ने नेचर के प्यार को दिखाने की कोशिश की है. और no matter from history plays out, they know that this has been a कि अब how history plays out, लोगों को ये पता चलेगा कि ये work praiseworthy है. तो ये थी प्रिल्यूड क्या कंक्लूजन जिसमें उन्होंने अपनी सिस्टर डोरोथी को बारे को एड्रेस करा, कॉलरिज को एड्रेस करा और कैलवर्ट को भी उन्होंने जो है वो याद किया. तो दिस वाज द स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. और ये किताब जो है मैंने इसकी बुक वाइज समरी आपको बताई. एक बार इसकी बुक्स दोबारा से, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, इंट्रोडक्शन स्कूल एंड चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम, स्कूल टाइम कंटिन्यूड बुक टू, बुक थ्री रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज बुक फोर, समर वेकेशन बुक फाइव बुक्स, बुक सिक्स कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स, बुक सेवन रेजिडेंस इन लंडन, बुक एट रेट्रोस्पेक्ट लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मेन, नाइन रेजिडेंस इन फ्रांस, टेन रेजिडेंस इन फ्रांस कंटिन्यूड, इलेवन रेजिडेंस इन फ्रांस कंक्लूडेड, Imagination and Taste, Book 12, Imagination and Taste Continued, and 14 Conclusion. ये थी इनके books के नाम जो मैंने आपको बताया. I hope ये आप लोगों को help करें. भाई ये ऐसा है कि जो काम की चीज़ें होती हैं उनमें entertainment कम ही होता है, तो ये आप लोगों के लिए helpful रहेगा. Not only for ये अभी तो फिलहाल झारखंड के लिए है मगर ये UP TGT PGT वालों के लिए भी helpful है और भी जिनमें भी ये हेल्पफुल रहेगा. आप लोग पढ़िए और अच्छे से पढ़िए. बाय बाय.